तो यार कल ना दो मैच हो रखे हैं और दोनों मैचों में ना स्पिन ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पहले मैच में स्पिन ने हरा रखा है, वहीं जो दूसरा मैच था वहां पर कोई स्पिनर्स ने अपनी टीम को जिता रखा है। यार बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग डे था, लेकिन मैं सही बता रहा हूं, मैं ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि ये जो चारों की चारों टीम्स है ना मुझे थोड़ा बोरिंग वाइब देती है। लेकिन जिस तरह का इन लोगों ने परफॉर्मेंस दिया है मैं कहना चाहूंगा बहुत ही ज्यादा कमाल का। प्लस यार कल हम लोगों को थोड़ा और ड्रामा देखने को मिला, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स के डगआउट में क्राउड ने मतलब यार नट और बोल्ट फेंक दिए थे। गौतम गंभीर के सामने विराट कोहली के नारे लग रहे थे। तो क्या हो रहा है इस आईपीएल में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पर को दो प्लेयर्स को स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा। पहला है हेनरिक क्लासन, जो कि मेरे हिसाब से शायद स्पिन का इस टेंपो को सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है। जिस तरह की बल्लेबाजी इसने मतलब यार स्पिन के सामने की है ना भाई, सल्यूट है सही में। दूसरा स्पेशल मेंशन मैं देना चाहूंगा ग्लेन फिलिप्स को। भाई ये बंदा ना सही में सुपरमैन है। इसकी फील्डिंग देखी भाई, सुपरमैन की तरह कैच पकड़ रहा है या सुपरमैन की तरह फील्डिंग कर रहा है भाई। बहुत ही ज्यादा कमाल की फील्डिंग की इस बंदे ने। तो चलो इन दोनों मैचेस का रिव्यू करते हैं, जहां पर मैं इन मैचेस में हुए बेस्ट और वर्स्ट के बारे में बात करूंगा। अब आज मैंने बेस्ट वाले सेक्शन में रखा है लखनऊ सुपर जायंट्स की बैटिंग को। सही बता रहा हूं, अगर ये लोग कल जीते नहीं होते ना मैं इस टीम को मतलब यार वर्स्ट वाले सेक्शन में डालने वाला था, क्योंकि जिस तरह की स्टार्टिंग इन लोगों ने की ना मैं ऐसे बाल खींच रहा था। पता है कि क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा टारगेट तुम लोग चेस कर रहे हो, पावर प्ले का यूज करना चाहिए भाई। काइल मेयर्स टुका टुक लगा है, 14 बॉलों में 2 रन बना रखे हैं। ये जो मतलब इनिंग्स थी ना शायद इस आईपीएल की वर्स्ट इनिंग कही जा सकती है। मतलब इनके जो ओपनर्स थे ना उन्होंने पावर प्ले में बिल्कुल भी इंटेंट नहीं दिखाया। ये लोग कल जो जीते है ना वो सनराइजर्स हैदराबाद की वजह से जीते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा भाई ले लो यार तुम जीत हमें नीचे करके। और ना सही बता रहा हूं, जिस तरह की इनकी बैटिंग पावर प्ले में हुई ना उसने तो इंश्योर कर दिया था कि कल लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत ही गंदी तरीके से हारने वाली थी। लेकिन जो भी वो बाद में मतलब इनके बल्लेबाजों ने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की, जैसे प्रेरक मानकर उसने यार बहुत ही कमाल की एंकरिंग वाली इनिंग्स खेली। स्टोइनिस मतलब यार भले ही बहुत ही स्टार्टिंग स्लो की उसने, लेकिन बाद में जो उसने एक्सेलरेशन किया वो बहुत ही ज्यादा कमाल का था। और यार निकोलस पूरन मतलब यार अपने प्राइस टैग को ना इस बार बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है, जो लंबे लंबे छक्के मार रहा है ना सही में। बहुत ही ज्यादा कमाल की बैटिंग किया बाद में इन लोगों ने। लेकिन यार फिर भी मैं कहना चाहूंगा कृणाल पांड्या की जो कैप्टनसी है ना वो बहुत ही ज्यादा बेकार की है। मैनेजमेंट भी इनका यार मुझे मतलब अभी भी बहुत ही ज्यादा बेकार वाइब दे रहा है। भले इन लोगों ने 8 ओवर में 101 रन चेज कर दिए, इसकी ये खुशी मना सकते हैं, लेकिन जब सामने स्ट्रॉन्ग टीम होगी ना उनके सामने तुम ऐसी गलतियां नहीं कर सकते हो। लेकिन जो भी हो कल इनकी बैटिंग बहुत ही ज्यादा कमाल की रही है। अब आज मैंने वर्स्ट नंबर 1 में रखा है एडन मैक्रम की कैप्टनसी को। मतलब यार ये लोग कैसे हार गए सही में मुझे कुछ कहना नहीं आ रहा है। पावर प्ले में देख लो यार इन लोगों ने सिर्फ 30 रन दिए थे, लेकिन इनकी दिक्कत कहां से स्टार्ट हुई बताया, जब से स्पिनर लेके आए। मयंक मार्कंडे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव साबित हुआ, तो एडन मैक्रम ने कहा 2 पार्ट टाइमर्स को बोलिंग कराता हूं। पहले उसने मतलब 2 ओवर अभिषेक शर्मा से कराए, जिसने पहले के 2 ओवर तो बहुत ही ज्यादा कमाल के कराए। ग्लेन फिलिप्स बोलिंग कराने आया, वो एक विकेट भी ले गया और उसने भी बहुत ही ज्यादा कमाल की बोलिंग कराई। लेकिन यार जो इसने 16 ओवर अभिषेक शर्मा को दिया ना वो काइंड ऑफ बहुत ही ज्यादा बेकार मूव था। क्यों बताता हूं देखो, मतलब यार इस ओवर से पहले ना जो 3 ओवर हुए थे वहां पर को सनराइजर्स के जो बॉलर थे उन लोगों ने 39 रन खाए थे। तो यार यहां पर को तुम अपने बेस्ट बॉलर को नहीं लेके आओगे, इन लोगों को लाना चाहिए था किसी पेस बॉलर को। मतलब यार इनको गेम को किल करने के लिए जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग गए एक पार्ट टाइमर की तरफ, जिसने मतलब यार 5 छक्के खा के पूरा मैच ही किल कर दिया सही में। मार्कस स्टोइनिस उस ओवर से पहले ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसे भी मतलब यार एक्सेलरेशन करने का मौका मिल गया और उसके बाद जो निकोलस पूरन ने कूटा है ना सही में। मतलब यार बेसिक चीजें तो तुम्हें ठीक करनी चाहिए थी। ठीक है मतलब यार तुम्हारी टीम उतनी खास परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन स्टिल यार मतलब यार बेसिक्स को इन्हें राइट करना चाहिए था, जो कि मुझे मतलब यार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यार सनराइजर्स हैदराबाद डेफिनेटली डिजर्व कर दिया कल लूज करना, लेकिन जो भी हो कल जो ये मूव था ना सही में बहुत ही बड़ा ब्लंडर था भाई। अब आज मैंने बेस्ट नंबर 2 में रखा है पंजाब किंग्स के स्पिनर्स को। मतलब यार सही बताऊं कल के मैच में ना शिखर धवन ने बहुत ही ज्यादा कोशिश की पंजाब किंग्स हार जाए। इनका जो मैनेजमेंट है इन्होंने भी पूरी कोशिश की यार पंजाब किंग्स ना जीते करके, लेकिन इनके जो स्पिनर्स है उनने कहा भाई जब तक हम है तब तक हम हारेंगे नहीं करके। तो मैं कहना चाहूंगा इनके जो स्पिनर्स है उन्होंने बहुत ही कमाल की बोलिंग कराई। सबसे पहले मैं इनकी बैटिंग की बात करता हूँ। वहां पर कोई एक लोन स्टार था यार प्रभसिमरन सिंह, जो बैटिंग करके गया ना। ये जो पिच थी बहुत ही ज्यादा टफ पिच थी, यहाँ पर को रन बनाना बहुत ही ज्यादा टफ था। तो जो इसने शतक मारा है ना उसकी जो वैल्यू है वो भाई इतनी ज्यादा है ना सही में। इस आईपीएल में मैं कहूंगा कि ये जो शतक है ना शायद वन ऑफ द बेस्ट शतक में से एक है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने बैटिंग में बहुत ज्यादा ब्लंडर किए। मतलब यार पावर प्ले में जब इनके बहुत ज्यादा विकेट गिर गए थे, इन लोगों ने जितेश शर्मा को पावर प्ले में भेज दिया। वो बंदा फिनिशिंग का रोल करता है, उस बंदे को पावर प्ले में भेज दे रहे हो यार, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। उस बंदे को मतलब यार नीचे ही खिलाओ ना, क्यों कर रहे हो उसे प्रमोट इतना ज्यादा। शाहरुख खान को तुम प्रमोट कर सकते थे, सैम करन को तुम प्रमोट कर सकते थे, सिकंदर रजा को तुम प्रमोट कर सकते थे, इन्होंने किसी को प्रमोट नहीं किया, लेकिन यार जितेश शर्मा को ऊपर भेज दिया। लेकिन ये जो ब्लंडर की कहानी है ना यहीं पर को खत्म नहीं हुई, बाद में भी इन्होंने एक और ब्लंडर किया, हरप्रीत ब्रार को शाहरुख खान और सिकंदर रजा से पहले भेज दिया। पंजाब किंग्स वालों को अगर आईपीएल जीतना है ऐसे गलती करके नहीं चलेगा भाई। वो तो भलाओ इनके स्पिनर्स का जिन्होंने मतलब यार बहुत ही ज्यादा कमाल की बोलिंग कराई। वहां पर को भी शिखर धवन को मैं मतलब यार थैंक यू कहना चाहूंगा कि हरप्रीत ब्रार पे इस बंदे ने थोड़ा सा भरोसा दिखाया। पिछले मैच में इसने सिर्फ एक ही ओवर दिया था, कल मतलब यार पूरे 4 ओवर दिए और ब्रार ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। जो 4 विकेट लिए वो बहुत ही हाई क्वालिटी के थे। राहुल चाहर ने भी बहुत ही कमाल की बोलिंग कराई। तो मैं कहना चाहूंगा पंजाब को बहुत ही ज्यादा मतलब यार सुधार करने की कोशिश है। डेफिनेटली शिखर धवन सबसे ज्यादा टॉप में है जिन्हें सीखने की जरूरत है, क्योंकि यार अगर इन्हें आईपीएल की ट्रॉफी जीतनी है ना तो शिखर धवन को अच्छी कैप्टनसी करनी होगी, जो कि मुझे लगता है कि ये कर नहीं रहे हैं। आप लोग मुझे बताओ आप लोग कितना रेट करोगे शिखर धवन की कैप्टनसी को। आज मैंने फर्स्ट नंबर 2 में रखा है दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। भाई कैसे हार गए लोग, पावर प्ले में इन लोगों ने 65
5 रन बनाए थे, उसके बाद भी ये लोग हार जा रहे हैं। क्या कहूं मतलब यार दिल्ली कैपिटल्स के बारे में, इनकी जो बैटिंग है इंपैक्ट प्लेयर के बाद भी नंबर 7 पे खत्म हो जा रही है भाई। बहुत ही ज्यादा बेकार बैटिंग यार, ये लोग डेफिनेटली लास्ट में होना डिजर्व करते हैं सही में, जिस तरह की बैटिंग हो रही है ना। और हमने कितनी कमाल की इनिंग्स खेली यार, ऐसी पिच में जहां पर को रन बनाना बहुत ज्यादा टफ है, उसने यार 50 मार दी थी इतनी जल्दी, फिर भी इनका जो कोलैप्स है वो हो ही गया यार सही में। तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं इनके मतलब यार मिडिल ऑर्डर बैट्समैन से। मनीष पांडे को तुम लोग खिला रहे हो तो डेफिनेटली यार तुम लोग हारोगे, तो सही मैंने आपको मतलब यार आईपीएल के स्टार्ट उनसे पहले ही बता दिया था कि मनीष पांडे को जो इन लोगों ने लिया ना बहुत ही ज्यादा बेकार मतलब यार मूव है, उसने मतलब यार डिसअपॉइंट भी नहीं कर रखा है, वो हर मैच में मतलब यार बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस करते आ रहा है। डेफिनेटली इन लोगों को बहुत ज्यादा सीख मिली है, सबसे पहले तो अपने यार कोचिंग स्टाफ को फायर करो, जितने भी ये मतलब तुम लोगों ने बेकार प्लेयर्स ले रखे हैं ना सबको रिलीज करो भाई, मतलब यार बहुत ही ज्यादा बेकार यार। इनका मैनेजमेंट बहुत बेकार है, इनकी कोचिंग स्टाफ बहुत बेकार है, बैटिंग इनकी बहुत ही ज्यादा बेकार हो रही है। तो मैं कहना चाहूंगा दिल्ली वाले डेफिनेटली लास्ट में होना इस बार डिजर्व करते हैं भाई। मैंने फर्स्ट नंबर 3 में रखा है इस आईपीएल में जो अंपायरिंग हो रही है ना उसे, क्या स्टैंडर्ड हो गया इस आईपीएल में अंपायरिंग का, मतलब यार ऑन फील्ड अंपायर गलती करे तो चलो हम मान भी लेते हैं, लेकिन अगर थर्ड अंपायर ऐसी गलतियां करेगा तो हम कहां जाएंगे भाई। मतलब ये आपको किस एंगल से नो बॉल नहीं लग रही है, शायद जो थर्ड अंपायर था ना वो रवि बिश्नोई को देख रहा था, रवि बिश्नोई के वेस्ट से नीचे ये देखा शायद उसने, मतलब यार ये तो मुझे साफ नो बॉल लग रही है। प्लस ये किस एंगल से वाइड नहीं है भाई, वो उछला भी है उसके बाद भी मतलब यार ये इतना गंदा डिसीजन दे रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा जो कल सनराइजर्स हैदराबाद आ रही है ना उसका एक रीजन तो अंपायरिंग भी है यार, इतनी घटिया अंपायरिंग कर रखी है इन लोगों ने, उन लोगों का पूरा मोमेंटम किल कर दिया यार। उससे पहले वो लोग छक्के चौके मार रहे थे, फिर ये जो मतलब यार डिसीजन आया उसके बाद से वो लोग मतलब यार मार भी नहीं पाए। तो मैं कहना चाहूंगा जो इन लोगों ने मतलब यार मोमेंटम किल किया है ना सनराइजर्स का, ये भी मतलब यार बहुत बड़ा फैक्टर है उनकी हार का। लेकिन जो भी हो इस आईपीएल में अंपायरिंग का स्टैंडर्ड तो बहुत ही ज्यादा बेकार रहा है, प्लस यार उसके बाद वो क्राउड वाला सीन भी हो गया, वो भी शायद इसी वजह से हुआ था। तो मैं कहना चाहूंगा बीसीसीआई को कुछ करना पड़ेगा यार, अंपायर्स को थोड़ा एजुकेट करो यार। तो आज का रिव्यू बस इतना ही है, होप आपको पसंद आया होगा।